योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी इज एंगल, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी इस तरह से एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, जो कॉस ए का वैल्यू होगा वो जस्ट कॉस बी के वैल्यू होंगे, जस्ट कॉस ए और कॉस बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो फर्स्टली राइट एंगल ट्रायंगल इसके ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इसके एक्यूट एंगल को भी आपको डिनोट करना होगा, और वो एक्यूट एंगल है ए एंड बी, इसके एक्यूट एंगल ए और बी को ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन, सपोज एंगल ए दैट इज एंगल बी एंड दैट इज एंगल सी, मीन्स इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी 90 एंड एंगल बी इक्वल टू हमने लिया थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी थीटा। जैसे ये एंगल थीटा लिया, थीटा दैट इज एक्यूट एंगल, इस एंगल थीटा के लिए देन एंगल ए क्या होगा, दैट विल बी 90 माइनस थीटा, सो दैट एंगल ए क्या होंगे, एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स ऑल टू एंगल्स एंगल बी एंड एंगल ए आर एक्यूट एंगल्स, ये एक्यूट एंगल्स गिवेन है, सच दैट गिवेन, दैट गिवेन में क्या है कि कॉस ए, सिंस कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, गिवेन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, फर्स्टली कॉस ए के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, कॉस ए सिंस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए लाएंगे, यहां से कॉस ए मीन्स दिस एंगल ए, कॉस ए बी बाय एच, बी बाय एच मीन्स इस एंगल के लिए ये बी क्या होंगे, ये होंगे और परपेंडिकुलर बी क्या होंगे, ये होंगे और हाइपोटेनस क्या होगा, ये एसी होंगे, मीन्स एसी बाय एबी, एसी बाय एबी, इसको फर्स्ट ले लिया। नेक्स्ट देखते हैं अगेन, कॉस बी इक्वल टू कॉस बी, यहां से देखेंगे कॉस बी, इस बी एंगल के लिए बेस क्या होंगे, बीसी होंगे एंड पर हाइपोटेनस तो यही होगा, कॉस बी इक्वल टू बीसी अपॉन BC अपॉन AB, मीन्स यहां से cos B आ गया, सो cos B BC अपॉन AB, इसको हमने 2 लिया, अब फ्रॉम अब इसमें देखेंगे क्या, बट हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 में देखेंगे क्या, cos A एंड cos B इक्वल गिवन है, दैट मीन्स AC बाय AB इक्वल टू BC अपॉन AB, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, AB AC by AB इक्वल टू BC by AB, दैट मीन्स AB AB कैंसिल, AB AB कैंसिल, दैट मीन्स AC इक्वल टू BC, ये AC और BC क्या हो गए, इक्वल हो गए, दैट विल बी इक्वल, तो इक्वल हुआ मीन्स यू नो दैट द बेस एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल बाय आइसोसेलस ट्रायंगल, ये ए सी बी इज ए आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से प्रूफ हो गया, दैट मीन्स ए सी बी में ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी हो गया, इट इज पॉसिबल, हम यहां से लिखेंगे, यू नो दैट इट इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन क्या होंगे, एंगल ए एंड एंगल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, दैट इज प्रूफ, इट इज पॉसिबल व्हेन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, मीन्स ये कहां से कौन से प्रॉपर्टीज आए, इसमें आप लिख सकते हो बाय बेस एंगल प्रॉपर्टीज इन आइसोसेलस ट्रायंगल, इस प्रॉपर्टीज से मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होता है, टू व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन देयर बेस एंगल्स, मीन्स टू साइड्स एडजेसेंट साइड्स जो इक्वल होंगे उसके बेस एंगल क्या होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं, दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यहां से प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से एंगल ए और एंगल बी को हमने प्रूव किया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।